हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस कोरोना वायरस महामारी ने हमको जिंदगी के क्या सबक सिखाए। अगर ये 8 सबक जिंदगी के आपने नहीं सीखे इस कोरोना वायरस की महामारी से, तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। तो आज ये ऐसे 8 सबक मैं आपको बताऊंगा जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपको इस महामारी से ये सबक सीखने बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट नंबर वन, सेहत के प्रति जागरूकता। इस कोरोना वायरस महामारी ने हमको सिखाया कि सेहत क्या है। सेहत के बिना सब कुछ धूल है। अगर सेहत नहीं है तो पैसा कुछ काम का नहीं है। इस कोरोना वायरस महामारी ने हमको सिखाया कि कैसे प्राणायाम का क्या लाभ है, क्या हमें योगा करना चाहिए और कैसे हमें आसन करना चाहिए और कैसे सुबह की जॉगिंग करनी चाहिए, तभी हम सेहत के प्रति जागरूक रह पाएंगे। अभी इस प्रेजेंट के समय में हमें स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। आने वाले समय में और बहुत सारी बीमारी आ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। सेकंड, क्वारंटाइन का महत्व। क्वारंटाइन क्या होता है, होम आइसोलेशन क्या होता है, इसका महत्व अपने इस कोरोना वायरस महामारी में जाना। पुराने समय में हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, वो जब बीमार हो जाते थे तो पता है आपको, वो एक एकांतवास में चले जाते थे और स्वयं को एक एकांतवास में रहने लग जाते थे। क्यों रहते थे, क्यों? क्योंकि उनकी जो बीमारी है उनके शिष्यों को न लग जाए और उनके दूसरों को न लग जाए, इसलिए वो एकांतवास में चले जाते हैं। और अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन तो एकांतवास और क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन, ये क्या होता है, अपन तो सब कुछ भूल चुके होते हैं। लेकिन इस महामारी ने वापस हमको सिखाया है, अगर आपको किसी भी तरह की छुआछूत की या कोई सी भी बीमारी हो जाए तो कैसे आपको होम आइसोलेट एक कमरे में रहना है और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेके चलना है, ये इस महामारी ने हमको सिखाया है। इसीलिए ये भी सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि होम आइसोलेशन कैसे रहना है अगर आप किसी बीमारी से अगर गिर जाते हो तो। थर्ड है, वायरस की मौत सबसे बदतर मौत है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस से अगर किसी की डेथ होती है तो कैसी होती है, आपने देखा होगा। 4 लोग कंधे देने वाले नहीं मिलते हैं, परिवार के लोग अपने पास नहीं आ सकते हैं, अपनी बॉडी के पास, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बदतर मौत होती है। इसलिए वायरस की मौत सबसे बदतर मौत है। नॉर्मल मौतें होती है तो लोग आपको मिलने आते हैं, आपके परिवार से मिलने आते हैं, आपके परिवार से ढांढस बंधाते हैं, आपको परिवार का हर तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त क्या होता है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप अकेले को आपको करना पड़ता है, कोई भी आपके पास नहीं आ सकता है, इसलिए वायरस की मौत सबसे बदतर मौत होती है। फोर्थ, इस महामारी ने हमें सिखाया कि बचत क्या चीज होती है। हम बचत तो भूल ही चुके थे, लेकिन जब ऐसा टाइम आता है, ऐसा महामारी का टाइम आता है, जब लोगों को घर में बैठना पड़ता है, तब अपनी बचत हमको याद आती है। तब उस वक्त महसूस होता है कि पैसों की बचत का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है। इसीलिए आपके जीवन में कभी भी ध्यान रखना कि आप कितने भी पैसे कमाओ, लेकिन अगर आपके जीवन में बचत करने की आदत नहीं है तो वो पैसे कुछ काम के नहीं है। जब आपको संकट और जब आपकी विपत्ति का समय आएगा ना, तब वो बचत के पैसे आपके काम आएंगे। इसीलिए जीवन में बचत होना बहुत ही जरूरी है। फिफ्थ, लोगों को मिला डॉक्टरी ज्ञान। शहरों में तो हो सकता है लोगों को डॉक्टरी ज्ञान हो, लेकिन आज इस महामारी ने गाँव में भी लोगों को डॉक्टरी ज्ञान सिखा दिया है। अच्छे अच्छे लोग जो बिल्कुल पढ़ना भी नहीं जानते, वो भी समझ गए ऑक्सोमीटर क्या होता है, अपने शरीर की बीपी कितनी होनी चाहिए, शुगर कितनी होनी चाहिए, अपनी पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, घर पर अगर कोई बीमार हो जाए तो कौन कौन सी टेबलेट अपने घर पर रहनी चाहिए, इस महामारी ने सिखाया है। और बहुत ही अच्छे इस महामारी ने सीख दिए कि अगर नॉर्मल अगर आपको कुछ भी हो जाए तो आपके घर पर कौन कौन से मेडिकल टूल किट होने चाहिए, ये इस महामारी ने सिखाए हैं और बहुत ही अच्छी बात सिखाई है। हम छोटे छोटे चीज़ के लिए फट तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन अपने पास घर पे भी हो जो नॉर्मल तरीके से आप यूज़ कर सको, और आपको छोटा मोटा डॉक्टरी ज्ञान भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो इस महामारी ने हमको ये सिखाया है और बहुत ही अच्छी बात हमको सिखाई। सिक्स, राशन का स्टोर। पता है अचानक लॉकडाउन लग जाए, घर में कम से कम 3 महीने का राशन का स्टॉक होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या पता किस तरह की कौन सी विपत्ति आ जाए, एक छोटे से सामान के अपन को बाहर भागना पड़े, तो इतनी तो व्यवस्था होनी चाहिए कम से कम 2 या 3 महीने तो अपना घर का रोशन का राशन का स्टॉक चल सके, एक छोटी सी चीज़ के लिए अपन को बाहर ना जाना पड़े। इस महामारी ने आपको क्या सिखाया है कि घर पर इतना खाने का स्टॉक इतना तो होना चाहिए खाने पीने का कि अपन को महीना भर या 2 महीने तक अगर बाहर ना जाना पड़े।
तो ये सबसे बड़ी चीज सिखाई है। सेवन, घर है तो संसार है। इस महामारी ने लोगों ने देखा है कि जिनके अपने एक छोटा सा भी घर हो, चाहे दो कमरे भी हो, तो वो बहुत सुखी रहे। किराए का घर, आपको पता है कि किराए के घर कैसे होते हैं, मकान मालिक की किच किच से परेशान होना और हर चीज़ से परेशान होना। इस महामारी में वो लोग सबक सीख रहे हैं जिन्होंने अपने घर की बजाय दुकान लेने को प्रिफ्रेंस दिया था। आज वो महसूस कर रहे हैं कि यार अपना भी एक घर होता, छोटा सा भी घर होता तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जिनका इस महामारी में घर है तो वो घर पर थे और बहुत सुरक्षित थे और एक अच्छा महसूस कर रहे थे। लेकिन जो किराए के घर में थे, उनको कहीं ना कहीं एक दिल में भी लगी कि यार अपना भी घर होता तो बहुत अच्छा होता। इसीलिए इस महामारी ने सिखाया कि भले छोटा ही घर हो, लेकिन अपना घर हो तो जब ऐसी विपत्ति आए, जब ऐसा संकट आए, तब अपन आराम से रह सके, बिना टेंशन के अपन रह सके। और लास्ट एट इसने सिखाया, पारिवारिक सोच और सेवा। परिवार के लोग इस समय, इस संकट के समय साथ देते हैं। आपको पता है कि इस संकट के समय पैसा रुतबा आपके कुछ भी काम नहीं होता है, काम आता है। अभी आपने देखा है बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े एमएलए और बड़े बड़े रसूख वाले आदमी भी हॉस्पिटल में बेड ढूंढते नजर आए, उनको भी बेड ना मिले तो वो पैसा रुपया किस काम का। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर साथ मिला तो परिवार का साथ मिला, दोस्तों का साथ मिला। इसलिए परिवार का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। जब ऐसी संकट आ जाए, जैसे जब ऐसी विपत्ति आ जाए, तब आपके पैसा और रुतबा और कुछ काम का नहीं होता है। आप भले लाखों रुपए दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, तो फिर किस काम के ये सब कुछ। इसलिए अपने परिवार को समय दें और अपने दोस्तों के साथ में समय दें और सबको मिलजुल कर रहें। इसी के साथ आज यहीं, देखते रहिए मेरे वीडियो। नमस्कार।